के आसन, मिट्टी के आसन के ऊपर बाबा लेटते थे, तो बस मिट्टी के आसन के ऊपर, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है, उसके ऊपर बाबा विश्राम करते थे। उतना भीड़ भड़ा कोई भीड़ भड़ा का नहीं, हम जाते थे, जब ही आते थे बाबा के सान्निध्य में जाते थे। तो बाबा हमको बंगाली बंगाली कहते, ए बंगाली कब आया, ए बंगाली आ गया कब आया तू। तो मन में इच्छा होती थी कि बाबा के थोड़ा चरण सम्मान करें, बाबा थोड़ा चरण सम्मान करूं। तो बोलते हैं अच्छा ले बेटा खूब चरण दबाते थे। घंटा भर दोपहर के समय गर्मी मौसम में बहुत सुंदर शीतलता, थोड़ा सा ऊपर में रहते थे, ऊपर में नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर में रहते थे। तो उनके सान्निध्य में रह करके बड़ा आनंद आता था, जब ही आते थे बाबा के सान्निध्य में आते थे। एक दिन मन में ऐसा जिज्ञासा हुई, आप अगर सिद्ध महात्मा हैं तो हमारे मन को जान करके आप कह दीजिए हमारे गुरु कौन है, कहाँ जाना है हमको, कहाँ से हम दीक्षा लेंगे। वाह, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा तब जानेंगे आप सिद्ध हैं। तो बाबा ने कह दिया, अरे कहीं से कान फुकवा लो, करना है तो नाम ही करना है। वाह वाह क्या बात कही है ये शब्द कहा आ, आ, कहीं से कान फुकवा लो, अरे कहीं से कान फुकवा लो, जपना तो नाम ही है, जपना तो नाम ही तो जपना है, नाम ही तो करना है। तो ऐसे बाबा के सान्निध्य में बहुत शांति मिली हमको, बहुत बड़ी सौभाग्य की दिन है, उस दिन की याद आती है, नमन करते हैं बाबा को, स्थान का नमन करते। अभी भी वृंदावन में, अगर वृंदावन के ऐतिह्य अगर हमारे सनातन धर्म के ऐतिह्य कहीं है तो टाटिया स्थान में अभी भी विद्यमान है। वहाँ के रहनी, वहाँ के साधन पद्धति, ब्रज माधुरी बुद्ध माधुरी उपासना पद्धति अभी भी वहाँ रखे हैं, धड़े हुए हैं। वहाँ वहाँ जाओ तो कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ टाटिया स्थान में जाके देखो, उनके रहनी देखो, स्थान को देखो, जो ब्रज संस्कृति वो जो माधुर्य उपासना के जो केंद्र है। तो अभी तो विलुप्त तो हो गया सब वन, सब तो कहीं तो है ही नहीं। जितना जितना बड़े बड़े सुंदर सुंदर वन भूमि थे, प्रदेश थे, वन प्रदेश जहाँ जुगल किशोर विहार करते थे, वो तो धीरे धीरे लुप्त तो हो गया है, वो तो जा रहा है। लेकिन टाटिया स्थान अभी ऐसे स्थान है जहाँ जाने से वृंदावन की प्राचीन स्मृति जागृत होती है, मन में भावना पैदा करती है, अभी भी भावनामय हो जाता है हृदय अंतकरण वृत्ति। आहा, तो ये टाटिया स्थान तो प्रणम्य है, ये आदरणीय है, ये वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है। दिल की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल लीला कीर्तन लीला गुणानुवाद ही तो भजन का प्राण केंद्र है। दिल से वो लीला स्मरण के साथ साथ लीला कीर्तन, ये तो प्रेम के मार्ग में चलने का सोपान है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके मन में ऐसे भावना हुई है, ये तो राधा रानी की असीम कृपा है। मधुकर मधु वर्षण करते हैं, अपने मुखार बिंदु से जो मधु वर्षण करते हैं मधुकर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भजन का विशेष अंग है, ये तो एक प्रचार नहीं, ये तो साथ साथ अपना साधना भी चलता है इसमें। बहुत अच्छी बात है, मैं राधा रानी के चरण में प्रार्थना करता हूँ आपको उत्तर उत्तर बढ़ता रहे आपके प्रेम भक्ति, आपके मन में ऐसे जुगल किशोर के प्रति प्रेम वर्धित होता रहे, आप ऐसे मधुर कंठ से आप सुनाते रहिए सबको लीला कीर्तन लीला गुणानुवाद जुगल किशोर के प्रेम के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है।